नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण सरन सिंह की। जिस तरीके से कैसरगंज सीट एक हॉट सीट बनी हुई थी, अब ऐसे में वहां पर करण भूषण सिंह को उतार कर कहीं ना कहीं भाजपा ने वो मामला शांत कर दिया है। लेकिन अब बृजभूषण सरन सिंह का महिला पहलवान को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है, ऐसे में क्या बृजभूषण सरन सिंह अपना राजनीतिक करियर बचाते हुए नजर आएंगे या फिर अभी उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो बृजभूषण सिंह अपने आप को साइडलाइन कर देंगे। अभी कोर्ट का जो फैसला है कहीं ना कहीं अभी बीच में अटका हुआ है। अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो बृजभूषण सिंह फिर से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर फैसला उनके विपक्ष में आता है तो क्या बृजभूषण सरन सिंह अपने आप को कैसे बचाते हुए नजर आएंगे, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इन सभी तमाम सवालों के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या बृजभूषण सरन सिंह ने जिस तरीके से महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन किया था, तो ऐसे में क्या लगता है सर कि क्या वाकई में उन चीजों में सच्चाई देखने को मिलती है या फिर वो इससे उभरते हुए भी नजर आ सकते। देखिए माही, बिल्कुल अभी हालांकि आरोपी है, हम अपराधी साबित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप है, बेहद सोचनीय आरोप है। क्योंकि जो लड़कियां, जो महिला कह सकते हैं पहलवान बाहर जाकर इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन करती है, अगर वो इतनी बड़ी बात करती है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है, तो जाहिर बात है कि न सिर्फ बीजेपी को बल्कि सरकारी स्तर पर भी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अब तक बीजेपी ने अब तक बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई भी ऐसा कह सकते हैं कदम नहीं उठाया जिससे ऐसा लगे कि जो सरकार है या जो बीजेपी है वो उनके खिलाफ जाकर कोई बड़ा फैसला करने वाली, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि क्या वो उभर पाएंगे अगर वो निर्दोष साबित होते हैं, तो देखिए जाहिर बात है कि उभरेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने जब उनको दोषी साबित नहीं किया, अपने अगर पार्टी स्तर पर बात करें तो जाहिर बात है कि उनके साथ कहने की वो खड़ी हुई है। ऐसे में अगर आप देखें कि वहां पर बृजभूषण को जो टिकट दिया जाना चाहिए था वो उनके बेटे को मिल जाता, तो बात वही की वही है कि बाप ना चाहिए तो बेटा। और जिस तरह से परिवारवाद का विरोध बीजेपी करती रही है, आप देखिए जब अपनी बारी आती है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता। आप देखिए बृजभूषण भी सांसद रहे 4-5 बार, उनकी पत्नी केतकी भी सांसद रही है, उनका जो बड़ा बेटा है प्रतीक वो भी विधायक है, ऐसे में उनका छोटा बेटा है अब करण भूषण वो भी अब कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ गया। तो ये परिवारवाद की जो बात बीजेपी करती है ऐसे मौके पर आकर वो शांत हो जाती है। और साथ में अगर बृजभूषण की हम बात करें तो जाहिर बात ये दिखाई पड़ता है कि अगर उनके खिलाफ अगर आरोप साबित भी हो जाते हैं तब भी देखिए बीजेपी ने उनके परिवार का जुगाड़ कहीं ना कहीं कर दिया है, उनके दोनों बेटों को राजनीति में सक्रिय कर दिया, भाई उनकी पत्नी भी राजनीति में रह चुकी है। तो ऐसे में उनको लेकर या उनके परिवार को लेकर मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर बाप को अभी टिकट नहीं मिला तो बेटों को मिल गया, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किसी भी तरह से उनको साथ में खड़ी हुई है। और इतने बड़े गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी बीजेपी ने कोई भी कदम बृजभूषण के खिलाफ नहीं उठाकर साबित कर दिया है कि वो बृजभूषण को पार्टी से अलग नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमन जी, लेकिन इसमें इन सभी बातों में एक सवाल और निकल कर सामने आता है कि जिस तरीके से बृजभूषण सरन सिंह ने इतना बड़ा अपराध किया या नहीं किया अभी वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी हर तरीके पर विपक्षी पार्टियों पर मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आती है, लेकिन अभी बृजभूषण सिंह को लेकर कोई एक स्ट्रांग ओपिनियन नहीं देखने को मिला। अगर वही विपक्षी पार्टी होती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल माही, और सही बात आपने बोला कि यही होना चाहिए। देखिए अभी हम अगर ताजा एग्जांपल की बात करें तो मायावती ने जैसा कदम उठाया, देखिए वो एग्जांपल है अपने आप में कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का चयन किया और जिस तरह से आप कह सकते हैं देश की सरकार को गाली दी, उन्होंने तुरंत उनको जो है कह सकते हैं पाबंदी लगा दी कि आप जो है किसी भी रैली में नहीं जाओगे, जो पद मैंने आपको दिया था फिलहाल वो पद आपसे वापस ले रही हूं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक इस तरह का डर का माहौल पार्टी के अंदर नहीं बनेगा कि कोई भी अगर ये गलत हरकत करता है, गलत शब्द का प्रयोग करता है, तुरंत उसको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर माही ऐसी चीजें होती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पार्टी में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर कथनी और करनी में
बड़ा अंतर है, क्योंकि ब्रजभूषण जैसे कह सकते हैं शख्सियत के ऊपर जब ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, आप देखिए लड़कियां लगातार चीख रही चिल्ला रही हैं, लगातार कह सकते हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर जो उन्होंने कुछ उनके साथ में जो कह सकते हैं मिसबिहेव किया उसको लेकर लगातार बात रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अगर पार्टी लेवल की बात भी करें हम माही कि ब्रजभूषण को पार्टी से निकाल दिया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखिए टिकट देने को भी आप देखिए कि अंतिम दिन ये तय हो पाया कि उनके बेटे को टिकट मिलेगा, तो आप समझ सकती हैं कि ब्रजभूषण का जो दबदबा है वो किस कदर पार्टी के अंदर दिखाई पड़ता है। तो अमन जी, इन सभी जानकारियों के बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से भारतीय महिला पहलवान कहीं ना कहीं देश और विदेश में यहाँ पर नाम रोशन करते हुए नजर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक रवैया अपनाया, वो जंतर मंतर पर इतने दिनों तक बैठी रही, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? चाहे वो गलत कह रही थी या सही कह रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, उनकी पर्सनल चॉइसेस का ध्यान रखते हैं, उनसे पर्सनली जाके बात करते हैं, उन हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वही बेटियां सड़क पर उतर आती हैं तब फिर प्रधानमंत्री उस पर कोई टिकट टिप्पणी करते हुए नहीं नजर आते हैं। तो इसमें ये भी फॉल्ट देखने को मिलता है कि गलती चाहे रही हो या ना रही हो, लेकिन क्या उनको आमने सामने बिठा कर बात करना जरूरी नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए बिल्कुल माही, और कुछ दिनों पहले मैं आरएलडी के जो प्रवक्ता है उनसे बात कर रहा था, रोहित अग्रवाल जी से, उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखिए ब्रजभूषण पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और आखिर में जब उनसे मैंने बात की दूसरी बार तब भी उन्होंने ये बात कही कि देखिए हमने ये स्पष्ट कहा था बीजेपी को कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो टिकट नहीं मिला। हालांकि उनके बेटे को टिकट मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बेटे का बाप का जो आरोप है वो बेटे पर मढ़ दिया जाए। लेकिन देखिए आरएलडी एक बड़ी पार्टी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने तक जो बीजेपी के सहयोगी भी है माही, उन्होंने तक ये बात कह दी कि भाई ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपकी सहयोगी पार्टी ने ये शर्त रख दी, इस तरह की बात कह दी कि ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिलना चाहिए, अगर टिकट मिलेगा तो फिर हम आपसे अलग हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर हालांकि अपराधी है या नहीं दूसरी बात है, लेकिन जो आरोप लगे हैं, देखिए शुरुआत में तो आरोप ही लगते हैं, उसको साबित करने में समय लगता है, लेकिन आरोप लगने के बावजूद आज देखिए केजरीवाल को लेकर बीजेपी कितना हो हल्ला काटती है कि आप जेल के अंदर सरकार चला रहे हैं, आप ऊपर तो इस तरह के इल्जाम है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो भी आरोपी अपराधी नहीं है। तो ऐसे में दोहरा जो मापदंड जो देखने को मिलता है अपनाती है बीजेपी, वो कहने के सवाल खड़े करता है कि भाई आप एक जैसे मामलों के ऊपर तो दूसरी तरह की मानसिकता क्यों दिखा सकते हैं? आपको ये होना चाहिए था, बिल्कुल आपने सही कहा कि ब्रजभूषण को लेकर बात करनी चाहिए थी पार्टी के अंदर, अगर इससे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही क्या? देखिए जाहिर बात है कि जो बेटियों ने आरोप लगाया वो यही बात कहती हुई नजर आई कि इतना दबदबा है कि बीजेपी डर की वजह से उस सीट के ऊपर कोई भी और दूसरा प्रत्याशी नहीं उतार सकती। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए भी ऐसा माहौल जा रहा है, जो पीएम मोदी हमेशा ये बात कहते हैं बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर एक कह सकते हैं नेता के खिलाफ कोई फैसला लेने में उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रजभूषण का जो दबदबा है वो किस लेवल पे है और किस कदर दिखाई पड़ता है। जी वाकई में यहाँ पर अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं महिला पहलवान एक स्त्री की जो अस्मिता है वो मायने नहीं रखती है, उनके लिए सीट मायने रखती है। बाप नहीं ना सही तो बेटे को ही टिकट दे दिया, लेकिन वो सीट हाथ से नहीं जानी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का दोहरा चरित्र दिखाई देता है। आप देखिए मणिपुर को लेकर चाहे तमाम तरीके के ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की या बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी, और ऐसे में टिकट दे देना परिवारवाद के खिलाफ जो बोलते आए हैं, और वो अब खुद ही परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, पत्नी के लिए ऑफर करते हैं, बेटे के लिए ऑफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही सवाल उठने चालू हो गए हैं। लेकिन महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अब कोर्ट जो तरीके से अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन आने वाले दिनों में ब्रजभूषण सिंह दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, या वाकई में उनका इतना दबदबा है कि बीजेपी पार्टी क्यों उनसे दबते हुए नजर आ रही है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।